दोस्तों अब यहाँ हम जो भी पंकज जी के यहाँ पर जो अपलाइन हैं, अपलाइन सभी यहाँ पर अपलाइन ही बैठे हुए हैं, गजेंद्र जी, सत्यपाल जी, लोकेंद्र सिंह जी, धर्मवीर जी, राकेश सर और सभी पंकज जी के जो भी अपलाइन यहाँ पर हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ वो मंच पे आएं। तो दोस्तों आज एक खुशी के मौके पर मैं इनके अपलाइन से ये जानना चाहता हूँ कि पंकज जी के बारे में ये दो मिनट अपनी बातें करें। दो बातें पंकज जी के अब तक के सफर के साथ का, जोरदार तालियों के साथ। साथियों नमस्कार। साथियों आज मुझे बहुत ही ज़बरदस्त खुशी हो रही है कि एक मेरी टीम से सबसे पहले जो डायमंड बने हैं पंकज जी, और वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने टाइगर टाइगर टाइगर, और पूरी टीम ही उनकी बोलती है सर हम सारे के सारे टाइगर हैं, और जहाँ भी चले जाएं मीटिंग में कहीं भी बोलते हैं तो सभी बोलते हैं सर पंकज जी की तरह हम भी एक दिन काम करके दिखाएंगे। और मेरा आप लोगों से यही मानना है कि यदि पंकज जी जैसा हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अगर पंकज जी की तरह काम करने लग जाए, उन्होंने कभी भी कोई भी बात को कभी टाला नहीं, उनसे बोल दिया कि भाई ये काम करना है तो 100% डन। जितने भी हमारे गुरु महागुरु बैठे हुए हैं इनसे भी ज्ञान लेना है, इनसे भी लेना है और इनसे भी लेना है और इनसे भी लेना है और इनसे भी लेना है, और फिर भी कमी पड़े तो चाहे कोलाइन हो चाहे ग्रोलाइन हो चाहे कहीं से मिलने की ज़रूरत हो बस मिलना चाहिए। और ऐसा जुनूनी आदमी ऐसा मेहनत करने वाला व्यक्ति यदि आप लोगों को भी मिल जाए तो डायमंड तो यहाँ चुटकियों में बना जा सकता है, चुटकियों में बना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। और साथियों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज के दिन कि भाई पूरे हिंदुस्तान में और अपलाइन को, जबकि जहाँ तक कि मैं भी ये सोचता था कि मैं भाई अपने अपलाइन को क्रॉस करता हुआ चलूँ क्रॉस करता हुआ चलूँ, लेकिन वो टाइगर मेरे पीछे वो लगा हुआ वो बोला है भाई गजेंद्र सर को भी मुझे क्रॉस करना है, गजेंद्र सर को भी मुझे क्रॉस करना है। और क्योंकि मैं हर टीम से हर यही कहता था कि भाई दमदारी से काम करके दिखाओ और काम करके दिखाओ, और एक व्यक्ति ने तो फॉलो किया, और मैं यही मानना चाहूँगा अगर पंकज जी की तरह हर व्यक्ति अगर काम करना चाहेगा तो हर व्यक्ति कम से कम समय में कामयाब हो सकता है। और ये मात्र 3.5 साल में यहाँ से अपनी कामयाबी हासिल कर ली है इन्होंने, मात्र 3.5 साल में, 3.5 साल में। तो साथियों मेरा यही कहना है कि बड़े जुनूनी हैं, मेहनती हैं, कर्मठ हैं, जुरारू हैं, और जो भी बात कह दी उस बात को कभी टालते नहीं हैं। और ऐसा यदि टाइगर यदि आप लोगों को मिल जाए तो डायमंड बनना आसान है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में झंडा गड़ जाएगा। मैं चाहूँगा पंकज जी के लिए, पंकज जी के परिवार के लिए और पंकज जी की सारी टीम के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम ए गुड डायमंड। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सत्यपाल पहलवान मेरा नाम है और भरतपुर शहर की तुया मेरा गांव है। दोस्तों पंकज जी के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों पंकज जी एक बेहतरीन लीडर हैं। शुरू शुरू जब मैं स्टार्ट हुआ था बेंच करना, इन्होंने स्टार्ट किया था तो मैं दिल्ली जाया करता था, तो दोस्त इनकी एक ही लगन थी कि सर मैं डायमंड कैसे बनूंगा। मेरे दोस्त सिर्फ डायमंड बनने के लिए एक ही काम है, सिर्फ करना पड़ेगा काम। और दोस्त काम कर चले गए। बत्तू जी घर जाते थे हम, बत्तू जी की मैडम बोलती थी कि सर काम हो गया। मैं एक ही बात कहता था बत्तू जी की मैडम से, मैडम एक वो दिन आएगा आप रानी जैसी लगा करेंगे। थैंक यू। और दोस्त तब भी कभी मैं कभी दिल्ली जाता था तब यही कहती थी कि सर मैं कब रानी बनूंगी, कब रानी। मैंने मैडम से एक बात कहा जल्दी दिन आ रहे हैं। और दोस्त बत्तू पंकज जी की बात करते हैं, पंकज जी की मैडम बता रही थी हमें झगड़ा हो गया था, झगड़ा इतना बढ़ गया था यानी तलाक की नौबत आ गई। और दोस्त तलाक की नौबत आ गई,
गजेंद्र सर ने मुझसे कहा कि पहलवान जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने अच्छा बोला, तो गजेंद्र जी हम और दोनों चलते हैं। दोस्त हम पंकज जी की ससुराल गए, पंकज जी की सास, पंकज जी की मैडम, दोस्त बात नहीं सुनने को हमारी राजी नहीं थी। एक ही बात करती थी, या तो सेप सोप रहेगी या मैं रहूँगी, एक ही बात रहेगी। दोस्त इनको भी गया, हमने जाके इनको सपने दिखाए, मैडम एक दिन वो आएगा, आप सेप सोप की वजह से रानी की तरह रहा करेंगी। आज वो दिन है, मैडम रानी बनी, यस या नो? थैंक यू। दोस्त बिजनेस में काम करना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ सपना देखना, सपना देखना है और टीम को सपना दिखाना है। दोस्त ये कर चले गए, पंकज जी ये पूछते थे, सर आपके तरह इतने बड़े चेक कब आएंगे? मैं एक ही के बात कहता था, अपनी लेफ्ट और राइट में। 5-7 दिन पहले बात हुई थी पंकज जी की, सर रॉयल्टी कैसे आए? मैंने एक ही बात कही, पंकज जी लेफ्ट में 5 सेमिनार और राइट में 5 सेमिनार, बेहतरीन मतलब मेट्रो सिटी में खड़ा कर दो, मैं गारंटी देता हूँ उस दिन आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। दोस्त थैंक यू। और पंकज जी ने यही कहा, सर मैं जल्दी ही आप जो कर रहे हैं वो करके दिखाऊंगा, और पंकज जी से जो भी कुछ कहते हैं हम वो करके दिखाता है। दोस्त आज गर्व की बात है, डायमंड बनते बनते आज जगवार 1 करोड़ की गाड़ी में चल रहा था, 1 करोड़ है दोस्त, सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो दोस्तों इसी तरह पंकज जी की तरह अपलाइन का भी गर्व ऊंचा होता है जब इतना बेहतरीन काम करता है। तो दोस्त इसलिए मैं पंकज जी के बधाई देता हूं, वेरी गुड गुड डायमंड, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह और पासी के भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं पंकज जी को बधाई देना चाहूँगा, उनकी फैमिली को, कि आज उन्होंने डायमंड शिप लेवल अचीव किया। और बात कर रहे हैं पंकज जी की, तो आज से जब 3.5 साल पहले उन्होंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, तो जब वो दिल्ली में पोस्टेड हुआ करते थे, तो वहाँ जब मेरा हम भी मैं भी वहाँ जाया करता था, तो पंकज जी पूछते थे कि क्या करना चाहिए, तो सर क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने सर से बोला कि सर सबसे पहले लोगों को सिखाना चाहिए, और जब लोग सीख जाएंगे तो काम अच्छा होगा, तो उसके लिए कोड ट्रेनिंग के बारे में बोला। तो जब नेक्स्ट टाइम आया तो पंकज जी अपने क्वार्टर पर कोड ट्रेनिंग दिया करते थे लोगों को फर्श पर बैठा के, यानी कि पंकज जी की बात करें तो यानी उस दिन से उन्होंने कभी कोड ट्रेनिंग को छोड़ा ही नहीं। उसके बाद सर ने मेरे से पूछा कि सर और क्या करना चाहिए, तो मैंने सर से बोला कि सर जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे फंक्शन में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी। तो उस दिन से पंकज जी की बात करते हैं तो आज हॉल में पंकज जी की टीम बैठी हुई है पूरे हॉल में। थैंक यू। और बात करते हैं, यानी कि जब भी पंकज जी पूछते थे तो यानी कि बस हमेशा यही करना कि सर बताइए क्या करना है आगे, सर बताइए क्या करना है, और बस पंकज जी लगातार मानते चले गए और आज आपके सामने डायमंड के रूप में उपस्थित हैं। थैंक यू। नमस्कार, मजा नहीं आ रहा, नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों नाम धर्मवीर सिंह, रहने वाला भरतपुर का हूँ। बात अगर एक नए डायमंड हमारे पंकज की बात कर रहे हैं, दोस्तों जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई शेर की कॉपी क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, तो बताने की जरूरत है क्या भाई? शेर तो है और काम भी शेर वाला किया, यस या नो? और एक बात बता दो दोस्तों, बिजनेस इतना आसान है, बिलीव करिए। पंकज जी ने ज्वाइन होने के बाद में एक ही बात कहा, यस सर। और मुझे आज भी याद है सतन सर जब भरतपुर में आए करते थे, कहा करते थे कि मैंने भी अपने अपलाइनों के यस सर कहा, यस सर कहा, और बुद्धू बन के हलवा खाया। और दोस्तों आज बिलीव करिए वही हम लोगों ने किया और वही पंकज जी ने किया। पर बात एक ही है कि ये लीडर एक ऐसा लीडर है कि हर अपलाइन को नाज होता है, क्योंकि इसने कमिटमेंट के साथ काम किया, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और मुझे आज भी याद है हम जैसलमेर ट्रिप में गए हुए थे, गजेंद्र सर मैं और पंकज जी बैठे हुए थे, बात डिस्कस चल रही थी, तो मैंने एक बोला पंकज जी यार कुछ भी सही यार, एक बड़ी गाड़ी निकालनी है, जो सर बताओ कौन सी, जगवार। मैंने एक बार कहा, मुझे नहीं पता पंकज जी निकालेंगे नहीं निकालेंगे, मैंने कह दिया। पंकज जी ने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना चालू किया और पता चला कि 1 घंटे बाद सर विजयपाल सर के पास पहुंच गए कि सर मुझे जगवार निकालनी है। बिलीव करिए अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी निकल के आता है
आज कमिटमेंट वाला व्यक्ति कोई भी निकल के आता, उसने नहीं सोचा कि क्या है कैसे है, उसने मुझे विश्वास था अपने ऊपर, अपलाइन के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, इतना बड़ा फैसला लिया क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है और बहुत बड़ी सोच और बहुत लंबा काम करने वाला है। तो मुझे बताइए, शेर हमेशा लंबी दौड़ करता है, यस या नो? तो विश्वास करना, क्योंकि मैंने एक बात बोली कि शेर की कॉपी क्या होता है, और आज पंकज ने साबित करके बताया, पंकज की कॉपी आज हमारे साथ में सारे लोग बैठे हुए हैं। आप लोग शेर हैं? यस या नो? तैयार है? और दोस्तों बड़ी खुशी होती है, आज हम लोग सुबह मॉर्निंग में आए और बैठ के हम खाना खा रहे थे, पंकज सर ने एक बात बोली कि सर मुझे डबल डायमंड कैसे बनना है। मैंने टाइगर यार आज डायमंड तो बन लो, खुशी तो बना लो, टेंशन ना करो, जब डायमंड आ गया तो डबल डायमंड भी बहुत जल्द आ जाएगा। एक टाइगर हमारे रूबी आए थे यहाँ पे, जिन्होंने बोला था कि सर 3 महीने में मैं डायमंड बनने के दिखाने वाला हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जितनी भी टीम बैठी हुई है आने वाले समय में कि सभी डायमंड है, डायमंड है और डायमंड है। थैंक यू। और पंकज जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यार किसको फक्र नहीं होता, एक बाप को भी ऐसी औलाद में फक्र होता है, यस या नो? तो आज अपलाइन है, अगर अपलाइन के नाते अगर कहा जाए पंकज जी के बारे में, मैं एक बात बोलूं कि सारी टीम एक तरफ और पंकज टाइगर एक तरफ, जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली पंकज सर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम अजय पंडित है और मैं आगरा से ही हूं। आज सच कहूं, ये कहने वाली शायद बहुत बड़ी बात है कि पंकज सिंह जैसा अगर किसी व्यक्ति को अगर डाउनलाइन मिले तो हर अपलाइन को नाज होगा कि पंकज सिंह मेरा डाउनलाइन है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, पंकज सिंह मेरे नेटवर्क का एक मजबूत हिस्सा है, गर्व से कह सकता हूं। पंकज जी के भीतर अगर मैं सबसे बड़ी बात अगर मैं देखता हूं तो सबसे बड़ी चीज जिद और जुनून, दो चीज के ये बहुत धनी है। और काम के पीछे, काम को लेकर लगन करने की जो भावना जो उनके भीतर है उसके बारे में क्या कहें। सच कहें कि पंकज जी का जब फोन आता है तो अक्सर होता क्या है कि अगर टीम से अगर किसी अपलाइन का पास अगर फोन आए तो अपलाइन को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी होती है कि चलो टीम ने किसी काम के लिए मुझे फोन किया है। लेकिन सच कहूं अगर पंकज जी का फोन अगर मेरे पास में आता है तो मुझे डर लगने लगता है। क्यों? वो व्यक्ति फोन करके सीधे मुझे क्या बोलते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों, मन क्यों नहीं लग रहा है? बोले सर क्या करें, खाली हूँ इसलिए मन नहीं लग रहा है, आपने जो काम बताया था मैंने कर लिया। तो मैंने कहा भाई अब मेरे बाप मेरा जिन मत बन, अब मैं क्या बोलूँ, गड्ढा खोदो। गड्ढा खोद दिया? बोला हाँ। बोला उसको भर दो? बोला फिर क्या करने का? फिर उसी गड्ढे को खोदो? बोला फिर उसको बराबर भरो? अरे यार अगर मन अगर नहीं मिल रहा तो मैडम है ना, बोला जाओ रेस्टोरेंट जाके खाना खाओ। बोला सर ये कौन सा काम है? बोला ये भी काम है। तो अल्टीमेटली सच कहूँ, उस व्यक्ति को ये कहना कि पंकज जी ये करना है, आप बिलीव कीजिए उन्हें ये कहने के बाद आपको शायद याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने उन्हें क्या कहा। दोबारा जब भी मैंने उन्हें कॉल किया कि पंकज जी वो मैंने काम आपको कुछ समय पहले मैंने बताया था, मुझे भूल गया कि आपने उसे किया कि नहीं, पंकज जी एक ही बात कहते थे कि सर जो आपने काम बताया था वो तो फलाने दिन ही पूरा हो गया था, आगे मुझे बताओ आगे क्या करना है। सच कहा जाए उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि सर कितना करना है। हर बार जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है, अपने अपलाइन से बात करता है, तो वो पूछते हैं, अब उनका अपलाइन कहता है कि आप ऐसा कर लो। उनका कॉल जब भी कभी मेरे पास में आया उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि सर आज मेरी टीम इतनी है, मैं इस लेवल पे हूँ, आज मैं इस पोजिशन पे हूँ, अब आप मुझे ये बताओ कि सर अब मुझे आगे क्या करना है। और जो काम उन्हें दिया गया बखूबी उन्होंने उस काम को किया। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा अगर डाउनलाइन अगर मिल जाए तो विश्वास करो हर अपलाइन को पंकज जी के ऊपर नाच होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज पंकज जी जैसा टीम का एक बहुत मजबूत साथी होना मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए प्राउड है, और आज पंकज सिंह मेरा प्राउड है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राकेश प्रसाद है और रहने वाला आगरा का हूं। पंकज जी के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा, उनसे मैं जब भी मिलता था तो वो एक ही बात बोलते, सर और क्या मैं करूं इससे मेरा काम और बढ़े। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलते थे, पूछते थे कि मैं क्या करूं इससे मेरा काम, कुछ और नहीं बोलते थे, वो सिर्फ यही बोलते थे। और उनकी जब भी मैं बातचीत सुनता था ना तो मुझे लगता था ये आदमी पागल हो जाता है।
यस, मतलब कोई व्यक्ति बात बोले इतनी ना तो अच्छी वो लगती है, लेकिन वो उस लेवल पे इतनी बड़ी बात बोलता था ना तो लगता था ऐसे टीम में बहुत से लोग आते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी उस तरह चला जाएगा। मुझे ऐसा उस समय लगा था मुझे ऐसा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जो इतनी स्पीड से बोलता है कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, उस लड़के ने सब कुछ करके दिखा दिया। पागल, पागल जो शब्द है ना, बड़ा बढ़िया शब्द है दोस्तों। अगर आप लोग बोलते हैं जिस दिन ये शब्द, खुश हो जाना कि मेरी भी तरक्की एक दिन ऐसी होने वाली है। ऐसे उनको भी बोला होगा, शायद मैंने भी बोला हो, मुझे भी लगा था उस समय। लेकिन हाँ दोस्तों, उसी इंसान ने आज इतिहास रच दिया कि अपने डायमंड शिप के लेवल के पहले ही इतनी बड़ी कारी जो आदमी का सपना होता है वो आज उन्होंने लेके दिखा दिए। बधाई देता हूँ उनको, उनके मैडम को, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इस अचीवमेंट के लिए, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और इसी शहर का मैं रहने वाला हूँ। आज पंकज जी डायमंड बने हैं। पंकज जी को और उनके पूरे परिवार को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इनका। रियली में एक बात तो मैंने अनुभव किया है, देखो हर माँ बाप को अपने बच्चों पर गर्व होता है अगर अच्छा कुछ करता है तो, हर माँ बाप को। और जैसा कि धर्मवीर जी ने यहाँ बताया, मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ और मैंने इसी आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिमाग का बिजनेस है नहीं, है ज़्यादा दिमाग का बिजनेस है नहीं, ये मैं शुरू से ही जान गया था। ज़्यादा अक्लमंदी का भी बिजनेस नहीं है, ज़्यादा होशियारगिरी का ही बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों का है, समझदार लोगों का है। और जिनको इस बिजनेस की समझदारी आ गई ना, विश्वास करें वो इसी तरह का इतिहास लिख के दिखाएंगे, इसी तरह का इतिहास लिख के दिखाएंगे। और जिनके अंदर, मैं तो एक ही बात देखा हूं, बाहर की दुनिया में एक बात कहते हैं, अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाए तो उसके चाहे कितने भी खून चढ़वाते रहें आखिरी में उनको मरना ही पड़ता है, ऐसे होता है ना। इस बिजनेस में मैंने एक बात अनुभव किया है कि जिसके खून में अगर सेफ सोप चला जाए ना तो उसको तो डायमंड बनना पड़ेगा, डायमंड बनना पड़ेगा। और जिसके खून में सेफ सोप चला जाए उसको कोई बताए या ना बताए, वो ढूंढ ढूंढ के, पूछ पूछ के, भाग भाग के, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है, और हमेशा वो खोजी निगाह में होता है, क्या करूं क्या करूं, कहां से ढूंढूं, किन से मिलूं, कहां मिलेगा मुझे, एकदम बेचैनी। इसी को तो प्यार कहते हैं, जिसको सेब सोप से प्यार हो जाए, भला वो उसको जब तक वो मिले नहीं रुक सकता है क्या? तो देखो जी, जिनको सेब सोप से प्यार हो जाए, जब तक वो डायमंड सेलिब्रेशन अपना करवा नहीं लेते, एक ठहराव आता है हल्का सा डायमंड सेलिब्रेशन लेने के बाद, बाकी गाड़ी आगे चलते रहती है। पंकज जी में मैंने एक ही चीज देखा है, बस हमेशा कभी मिलो, जैसा बाकी अपलाइन ने बोला, एकदम खोजी निगाह है। राकेश जी ने भी बोला, एकदम एक गुना नहीं 10 गुना आगे बढ़कर बात करता है, तो लगता है हर एक को कि ये फेंक रहा है, ये ऐसे ही कर रहा है, लेकिन जब वो आदमी कम समय में वो अचीवमेंट लेके दिखाता है तब यकीन हो जाता है। शुरू शुरू में लगता है, लेकिन अब चाहे वो कहीं भी खड़े होकर बोले
हर व्यक्ति को यकीन होगा कि ये सही कह रहे हैं। तो इनके अंदर भूख जो मैंने देखा वो आज भी कायम है, और जिसके अंदर छटपटाहट हो आगे बढ़ने की, चाहे किसी भी, चाहे पैसा कमाने की, चाहे मान सम्मान कमाने की, चाहे लेबल लेने की, वो तो हमेशा रॉकेट के माफिक उड़ता रहेगा, रॉकेट के माफिक उड़ता रहेगा। तो मैं तो एक ही बात उनको आगे बताता, भगवान करे ऐसे ही दिन दुगनी रात दस गुनी तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता। सबसे पहले माता जी प्लीज एक कदम थोड़ा सा आगे आए। आज पंकज जी की माता जी हैं, ये वो माँ हैं जिन्होंने पंकज जी को जन्म दिया, मतलब आज हमें एक डायमंड दिया, आज हमें एक उदाहरण दिया। आज माता जी को कैसा लग रहा है कि उनका बच्चा वो कर गया जिसे करने के बारे में लोग सिर्फ और सिर्फ सपना देखते हैं? माता जी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस ऐसी जगह पर, इतनी बड़ी जगह पर कभी आ पाऊँगी, लेकिन पंकज ने इतना बड़ा काम किया है। मैं कहती हूँ ऐसा सभी लोग, पंकज भी इंसान है, आप सब भी इंसान हो, आप भी जल्द मेहनत करके पंकज की तरह जल्दी से जल्दी इस जगह पे आने की कोशिश करें, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एक जोरदार ताली पंकज जी की माता जी के लिए। पंकज जी के बाबू जी दोस्तों आज हमारे साथ में हैं। हम पंकज जी के बाबू जी से समझाना चाहेंगे कि बाबू जी को आज कैसा लग रहा है जब आज उनका बच्चा वहाँ खड़ा है जहाँ पहुँचना सिर्फ लोग सपना देखते हैं। बाबू जी कैसा लग रहा है? राम राम साहब भैया सभी, मुझे इतना गर्व है कि मैं आपके सामने कोई बयान नहीं कर सकता। मेरा बेटा सुदामा है, सुदामा जिसने वो करके दिखा दिया, जिसका हर बाप का बेटा सुदामा बन करके दिखाए, मैं उसी बेटे को मानता हूँ। बहुत बड़ी बात है, आपका सहयोग और आपका प्यार मिला और इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। मैं आपके भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप इस स्टेज पर आएं और भगवान का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं आपसे हाजिरी निवेदन ही हूँ। आखिर क्या और किन परिस्थितियों के साथ आज चलकर पंकज जी यहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे लगता है पंकज जी के मिसेज से बढ़िया और कोई बता नहीं सकता। तो मैं अगेन ये माइक उन्हें देता हूं और एक जोरदार ताली मिसेज वंदना जी के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उस परम पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला। उसके बाद मैं अपने अपलायन और अपनी प्यारी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज इनका सहयोग और इनका आशीर्वाद ना होता तो शायद ही हम ये दिन देख पाते। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे बताने के लिए शब्द ही नहीं है। जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था तो हमारे घर में खूब लड़ाई होती थी। मैंने कभी इनका सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये 24 घंटे बाहर ही रहते थे, ना तो बच्चों का ध्यान रखते थे, बच्चे भी छोटे थे, घर की तरफ तो देखते ही नहीं थे। एक बार तो इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि मैं 3 महीने को अपने गांव चली गई। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी का कैंसर था। मैंने उनसे कहा कि आप ना कल के दिन कहीं मत जाना और मुझे मम्मी दिखा लाना अपनी जयपुर। इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन सुबह ही निकल गए भरतपुर के लिए बांदीकुई से। रात को आए बहुत लेट, तो घर में तो जो धोना ही था। फिर मुझे लेके गए मम्मी को दिखाने के लिए रात के 1 बजे। दूसरे दिन मैं आई, मैंने उन्हें कहा या तो ये सेफ सो रहेगी या हम रहेंगे। इन्होंने कहा अपने बोरी बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। उन्होंने हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर आखिर में थैंक्स करना चाहूंगी मेरी मम्मी का, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी अब नहीं जाएगी ना तो कभी जाना भी मत, अब दुख के दिनों में नहीं जाएगी तो डायमंड बन जाए तो फिर मत जाना। मैंने कहा ये भी बढ़िया है, चल दूं। धन्यवाद मम्मी,
जो आपने मुझे समझाया और आज आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो उस दिन हमारा तलाक ही हो जाता। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पता नहीं था कि वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी। और मैंने इन्होंने से खूब कहा मुझे, मम्मी पहले मम्मी दिखा लाओ आप, वो तो मीटिंग अटेंड करने भरतपुर आ गए। ऐसे हुआ था हमारे साथ, बच्चे भी छोटे छोटे थे, खूब लड़ाइयाँ होती थी। फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, हमारे घर में खुशियाँ ला सकता है। उसके बाद मैंने इनका खूब सपोर्ट किया। उसके बाद हमने इनसे कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये बिजनेस हमें जो दे सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता। उसके बाद हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आज चारों तरफ खुशियाँ हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास कोई मोटरसाइकिल भी आएगी, लेकिन आज दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। घर भी है, जमीन भी है, सब कुछ है आज। और ये सब दिया सपोर्ट सिस्टम ने, ये ना होता तो शायद हम आज उसी स्थिति में रहते। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अपने पति का, जिनकी मेहनत से, जिनके विश्वास से और जिनके त्याग से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर उस दिन ये डोल जाते तो हमारी ज़िंदगी उसी स्थिति पर रह जाती, हम 5-5 रुपए को लड़ते पे। एक बार मैं दिल्ली में 100 रुपए की चूड़ी ले आई, पूरे रास्ते लड़ते आए, इतनी सारी चूड़ियाँ रखी हैं। इतनी सारी चूड़ियाँ रखी हैं, पैसे बर्बाद करने पे लगी रहती हैं। और अब मैं जाती हूँ तो एक नहीं 4-4 दिलवा देते हैं। मैंने कि ये क्या हुआ कि ये सब। अब हम बहुत खुश हैं। और बस अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी माताएं बहनें अपने अपने पति अपने अपने बच्चों का पूरा सहयोग करें, सपोर्ट करें, जिससे वो भी ये डायमंड से हासिल करें। थैंक यू।